गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। विल वेट फॉर वन मोर मिनट एंड देन स्टार्ट। बेटा आपको अपना वीडियो ऑन रखना है, दैट इज द न्यू रूल। ओके, सो वी शुड कीप आवर वीडियोस ऑन। Okay, so please keep your video on. Video on कर लीजिए अपना। Why are you so shy? Please switch on your videos. There is no harm in doing that. Okay, we will get started, otherwise we will run out of time and I don't want to waste time of students who have joined. Okay, so we will get started. ठीक है, तो अभी तक हमने जो है इंटीग्रेशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, उसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स भी कर लिया है। ठीक है, शर्मा सर ने आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर शुरू कराया हुआ है। ठीक है, जो इसके बाद का चैप्टर, ठीक है, लेकिन वो इससे इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये आना चाहिए वो करने के लिए, दोनों इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो उन्होंने शुरू कराया हुआ है, आज हम जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने जब डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ा लास्ट टाइम, तो हमने कहा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या है, वो एरिया अंडर अ कर्व है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, लेट्स से वी हैव आर एक्सिस, राइट, वाई एक्सिस, राइट, लेट्स से वी हैव अ कर्व लाइक दिस, दिस कर्व इज एफ ऑफ एक्स, एंड वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम लेट्स से वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम हियर टिल हियर,
Okay, so x is equal to a, say x is equal to b. तो ये जो एरिया है, राइट, लेट्स से दिस इज एरिया. सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, राइट. वी ऑलरेडी नो दिस, दिस इज नॉट न्यू फॉर अस. ओके, तो अगर कोई भी हमें कर्व दिया हुआ उसके नीचे का एरिया फाइंड करना है, हमको उसका एक डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ये होता है कि जो एरिया है वो हमें कर्व और वाई एक्सिस के बीच में निकालना है, यानी कि हम सिमिलर एक अपना एक्सिस ले लेते हैं, राइट, एंड लेट्स से दिस इज आवर कर्व. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड लेट्स से द okay, I have to find the area between these. Now, rather than finding the area below this, I am looking for this area. तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये एरिया हम ऐसे निकालेंगे कि हम rather than doing an integral with variable x, we will express x as a function of y. ठीक है ना, अगर y जो है वो एफ एक्स है तो x जो है वो inverse function of y है. अब हम जो है we will integrate this inverse function of y from a to b and this integral will give us this area. तो depending on the question हमें इसमें कभी कभी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करना पड़ सकता है. तो इस चीज का एक हमें ध्यान रखना है. इंटीग्रेशन करने का तरीका वही रहेगा लेकिन हमें प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज आपको अपना ध्यान में रखनी है. चलो, लेकिन एक और कॉम्प्लिकेशन को समझते हैं कि कई बार क्या होता है कि एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. किस तरीके से? अब जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व है हमारे पास, तो ये जो एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया है ये हो गया पॉजिटिव एरिया, और ये जो एरिया है ये हो गया नेगेटिव. ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें यहां से यहां तक, इस एफ एक्स को अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो दिस एरिया माइनस दिस एरिया रिजल्ट आ जाएगा. लेकिन यूजुअली जब हम इस तरह का एरिया बाउंड बाय टू लाइंस या एरिया अंडर द कर्व इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए होता है टोटल एरिया. और टोटल एरिया हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वो पॉइंट्स देखने पड़ेंगे जब वो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है. तो जैसे ये वाला, तो हम क्या करेंगे कि एक इंटीग्रेशन यहां से यहां तक करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे. फिर दूसरा इंटीग्रेशन हम यहां से यहां तक करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया तब मिलेगा. डायरेक्ट इंटीग्रेशन एंड टू एंड करने से हमें वो एरिया नहीं मिलेगा, ठीक है. जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ये और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको. ठीक है, इन सब चीजों को अगर मैं कंडेंस करके मैथमेटिकली लिखूं तो अगर मैं एरिया को इस तरह लिखूं कि एरिया इज फ्रॉम ए टू बी द मॉड्यूलस ऑफ द फंक्शन डी एक्स, देन वी कवर एवरीथिंग. लेकिन इस तरह भी लिख के आपको एक
कंडेंस फॉर्म तो मिल गई, लेकिन करने का तरीका सेम ही रहेगा क्योंकि आपको मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है। ये आपको पता है, हमने मॉड्यूलस वाले काफी सारे क्वेश्चंस पिछले चैप्टर में किए। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं टू गेट द कंप्लीट एरिया। ठीक है, तो अब हम ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे यूजफुल जो पहला स्टेप है वो ये है, यानी कि हमको जो कर्व्स दिए हैं, जो लाइंस दी हैं, जो भी चीजें प्रॉब्लम में हैं, उनको स्केच करना आना चाहिए। हमको कोई उसको एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन एक रफ स्केच बनाना आना चाहिए। उससे हमें प्रॉब्लम काफी हद तक क्लियर हो जाती है। ठीक है, फिर हमें पूरे एरिया में से पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है। और तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वो हमें सिमेट्रीज को ढूंढना चाहिए फिगर में, ताकि हम उस सिमेट्री को यूज कर कर प्रॉब्लम को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपको इस कर्व का एरिया निकालने को कहा गया, राइट, दे आर ऑल कॉन्ग्रुएंट। तो रादर देन डूइंग एन इंटीग्रेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, यू आर बेटर ऑफ डूइंग ओनली दिस इंटीग्रेशन एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 5। तो ये जो सिमेट्रीज हैं ये बहुत यूजफुल होती है, रिपीटिंग पैटर्न है, सिमेट्री है, इनको भी ढूंढ कर हमें यूज करना चाहिए। ब्लाइंड इंटीग्रेशन नहीं करनी चाहिए क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? आप में से अभी तक किसी ने भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया, देखिए अटेंडेंस के लिए वो मस्ट है। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस? अगर आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। थैंक्स सोनाली। अदर्स कैन यू प्लीज ऑल्सो डू द सेम? केवल सोनाली ने ही ऑन किया और किसी ने ऑन ही नहीं किया वीडियो। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। देखिए वो मस्ट है वीडियोस ऑन करना। आपको अगर कोई उसमें ऑब्जेक्शन है वीडियो ऑन करने में तो आप मुझे वो बताइए, मैं वो बताता हूँ मैनेजमेंट को कि देर इज एन ऑब्जेक्शन। अदरवाइज प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस? रितु, यस सर। हाँ अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज, वो मस्ट है, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं मिलेगी आपको। नो वन हैज स्विच्ड ऑन द वीडियो। अंजलि, गोपाल, ओनली टू पीपल हैव स्विच्ड ऑन नाउ। ओके, आई एम जस्ट मार्किंग द अटेंडेंस, गिव मी 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर। गोपाल या बेटा, वेल यूनिफॉर्म में आइए सर, प्लीज स्टूडेंट्स को बोलिए वेल ड्रेस्ड हो। या श्योर, लेकिन आई थिंक दे आर हार्डली स्विचिंग ऑन द वीडियो फर्स्ट, सो इस वजह से पता यस नहीं चल रहा है कि कैसे ड्रेस रहे हैं, क्योंकि वो जो है वीडियो ऑन ही नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, इनको वीडियो ऑन करने के लिए बोलिए और वेल ड्रेस्ड हो सर। कैसे आ रहे हैं आप, देखिए इनको। हाँ नहीं, अभी तक वैसे बाकी लोग सब वेल ड्रेस थे जिन्होंने ऑन किया था, शिवम ने अभी ये सर, किया। गोपाल, गोपाल को हाँ अगर वेल ड्रेस्ड नहीं हो तो रिमूव कर दीजिए सर। हाँ गोपाल बेटा प्लीज ओके सर। वेल ड्रेस्ड होके आ जाइए आप क्लास में और अपना वीडियो ऑन रखिए। ओके,
देखिए पढ़ाई और डिसिप्लिन जो है ना ये हैंड इन हैंड जाता है, बिना डिसिप्लिन के पढ़ाई संभव ही नहीं है। वी नीड टू, थैंक्स गोपाल, वेरी गुड बेटा। देखिए आप फॉलो करेंगे तभी सीखेंगे, राइट, वेरी गुड, ओके। सो बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन रखिए। आप क्लास में भी तो एक दूसरे के साथ ही बैठते थे ना आज तक, ये तो केवल एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि हमें इस तरह बैठना पड़ रहा है सबको एक दूसरे से दूर। जब ये सिचुएशन इंप्रूव होगी हम वापस क्लासरूम में ही बैठेंगे एक दूसरे के साथ, राइट। तो वी आर नॉट शाय फ्रॉम ईच अदर, वी नो ईच अदर, राइट। You, these are all your friends. There is no reason to not switch on your video. Feel comfortable, switch on your video. एक शांत जगह पे well dressed होके बैठिए, video on करिए। कोई चीज समझ नहीं आती, question पूछिए। I am willing to repeat. कोई चीज नहीं समझ आएगी, देखिए कुछ चीजें कठिन हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ चीजें आपको पुरानी याद नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ यही समझने के लिए, मुझे उससे समझ आता है कि किस चीज पे मुझे फोकस करना है, वरना तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता जाऊंगा, आपको फायदा कम होगा। तो ठीक है, वीडियो ऑन रखिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज पे हम बहुत समय नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमको एक क्वेश्चन करना है, इसमें थियरी बहुत लिमिटेड है, जैसा आपने देखा ये तो बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है। इसमें इंटीग्रल के फॉर्म्स भी बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स नहीं पूछे जाते इसमें। अगर आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सबसे आसान कैलकुलस में इससे ज्यादा आसान मार्क्स कमाने का कोई तरीका नहीं। ये चैप्टर है जिसमें आपको बहुत कम मेहनत से आराम से मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। वी हैव टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये पूरे सर्कल के अंदर क्या एरिया है ये पता करना है, लेकिन जो हमने फॉर्मूला अभी सीखा वो तो हमें केवल एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया निकालना ही सिखाता है, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज ऑल्सो अ फिगर विच हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरियाज। देखिए ये ऊपर पॉजिटिव एरिया है, दिस इज ऑल रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, करेंटली आई एम टेलिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स एज द वेरिएबल। ये पॉजिटिव एरिया है, ये भी पॉजिटिव एरिया है, ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर, जबकि ये नेगेटिव एरिया है, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें इट इज ऑल्सो नॉट इन अ फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अ एन एक्सप्रेशन ओनली इन एक्स, यानी कि इसमें मिक्स्ड है हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब हमें इसको किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज हमें करनी है वो इसको ये समझते हैं कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एरियाज हमें दिख गए। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम केवल इस सेमी सर्कल का, जो ऊपर का सेमी सर्कल है यानी ये, केवल इसका एरिया निकाल लें और उसको डबल कर दें तो भी हमें ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि तब हम एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया निकाल रहे हैं जो हमें निकालना आता है। लेकिन हम उतनी भी मेहनत क्यों करें इज द क्वेश्चन, राइट, क्योंकि हमें पता है कि ये भी तो केवल एक क्वाड्रेंट के एरिया के डबल है, तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं, हम केवल ये वाला एरिया निकाल लेंगे एक क्वाड्रेंट का और उसको फोर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो केवल ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ वी गॉट इट इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू
अ फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, अब हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है. लिमिट्स देख लीजिए क्या है, यहाँ पे एक्स जीरो है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का जो सर्कल होता है उसका रेडियस ए होता है, राइट. तो ये वाला पॉइंट जो है वो ए कॉमा जीरो है, यानी ये लेंथ ए. ठीक है, तो अब हमारा जो एरिया आ गया सर्कल का वो फोर टाइम्स द एरिया ऑफ दिस इंटीग्रल. Can somebody tell me the result for this integral? This is a standard form integral, so aap directly result bol sakte. Can somebody speak that result out for me? Ye hamara standard format form hai na ek, jo humne integration by parts ke baad हमने ये कुछ स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म्स किए थे उसमें था ये. एनीबडी रिमेंबर्स? ऋषु बेटा आपको याद है ये इसका इंटीग्रल का फॉर्म? अगर याद नहीं है आप नो बोल सकते हैं, लेकिन जवाब इमीडिएटली दे दीजिए. ऋषु I don't think Rishu is there. See, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है, राइट. आप प्लीज बाकी लोग अपना वीडियो ऑन करिए, एटलीस्ट मुझे पता चले कौन अटेंशन पे कर रहा है. स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फोर्स मी टू से इट अगेन एंड अगेन, इट्स वेस्टिंग एवरीबडीज टाइम एंड एनर्जी. अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. गुड अंजलि, एनीबडी? अंजलि ने भी हटा दिया. आप ऑन रखिए उसको, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. प्लीज रखिए उसको ऑन, बाकी लोग भी प्लीज ऑन करिए अपना वीडियो. यस गोपाल, ठीक है. तो किसी को ये इंटीग्रेशन याद है? मुझे लगता है नहीं है किसी को, तो मैं ये रिमाइंड कराता हूं आपको. ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इस चैप्टर में बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, ये आपका फॉर्म बार बार यूज होगा, चाहे सर्कल हो चाहे एलिप्स हो. ठीक है, तो ये फॉर्म याद रखना जरूरी है. और इस ये फॉर्म में क्या होता है, एक्स बाय टू इंटू द सेम थिंग. फिर क्या आता है, प्लस आता है इसमें, जिसमें ए स्क्वायर पहले होता है उसमें प्लस आता है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू आता है. और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में आता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाय ए. ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये थोड़ा लंबा रिजल्ट होता है, ये हमें याद रख. ठीक है, ये बहुत ही इस चैप्टर में तो आधे क्वेश्चन इसी से होंगे, तो ये आपको याद रखना. ठीक है, और इसके लिमिट्स हैं हमारे जीरो टू ए. अब हमें बस ये वैल्यूज डालनी है एंड वी आर डन. ठीक है, तो यहाँ पे ए डालेंगे तो यहाँ ए डालने से ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी. फिर यहाँ ए डालेंगे तो एक्स अपॉन ए इज ए अपॉन ए बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स वन. ठीक है, नाउ द माइनस पार्ट. अगर हम माइनस पार्ट में आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू, राइट. तो जीरो बाय टू, ये टर्म वापस से जीरो हो जाएगी. और यहां पे हम डालेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो आ जाएगा. साइन इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, सो ये टर्म भी जीरो हो जाती है. तो वी डोंट इवन हैव टू डू दैट, इट इज स्ट्रेट.
right? Now, what is sine inverse of 1? Can somebody tell me that at least? Sine inverse 1 क्या होता है? ये क्या होता है? ये बताइए कोई. सोनाली आप बताइए साइन इनवर्स 1 क्या होता है. सोनाली से जीरो. देखिए साइन इनवर्स 1 का मतलब यह है किस चीज का साइन लेने से 1 आता है. जीरो का साइन लेने से 1 तो नहीं आएगा. किस एंगल का साइन 1 देता है. रेडियंस में आंसर होता है हमेशा. तो किस चीज का साइन हमें 1 देता है. कौन सा. पाई बाय 2. पाई बाय 2. तो ये आ गया हमारा पाई बाय 2 राइट. तो पाई ए स्क्वायर हमारा रिजल्ट आ गया. एरिया ऑफ द फुल सर्कल राइट विच वी ऑलरेडी नो राइट. This is the result we have been learning from, I don't know, maybe 4th, 5th standard, that the area of a circle is pi r square. और अब हमने इसको प्रूव किया है राइट एक तरह यूजिंग कैलकुलस. ओके सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट. हमें देखा जाए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है हम डायरेक्टली आंसर जानते ही थे लेकिन अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल इसी वजह से इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि ये तो हमें आंसर पता ही है इसका. लेकिन इससे हमें पता चलता है इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे. ठीक है चलिए एक और भी इससे भी आसान क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स. दिस इज अ लाइन and the x-axis between -4 to 4. ठीक है तो ये मैंने उसको पहले से ड्रॉ किया राइट. अब आप बताइए कि ये एरिया कैसे निकलेगा. हु विल हेल्प मी फाइंड दिस एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन. सबसे पहला स्टेप था ड्रॉ करना वो मैं कर चुका हूं. व्हाट इज द सेकंड स्टेप. What is the next step? Identify. Positive and negative areas. बताइए concept कहां पे positive area है कहां पे negative area है. कौन बताएगा मुझे. गोपाल आप बताइए कौन सा positive area है कौन सा negative area है. और x डैश और y डैश नेगेटिव है. ये क्या है और ये पॉजिटिव राइट. वेरी गुड यस सर. अब स्टेप 3 हमारा था लुक फॉर सिमेट्रीज. तो कुछ है ऐसा जिसको कि हम इस इंटीग्रेशन को छोटा कर सके अपने लिए. हमको प्रूफ नहीं लिखना है लेकिन ये हमारे लिए एकदम ऑब्वियस है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे राइट. क्यों. क्योंकि बेस देखिए बेस जो है दोनों का 4 है. ये एंगल सेम है दोनों का राइट. ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है ये इसके पैरेलल है दोनों राइट. सो विद दैट वी get the other angle also as equal right. AS से हमारा congruency prove हो जाती है लेकिन हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है. The examiners don't expect that level of reasoning. ठीक है ये हमारे लिए clear है कि ये दोनों areas जो है वो equal है.
तो हम जब टोटल अब इसका एरिया लिखेंगे तो वी कैन जस्ट गो अहेड एंड राइट द कंप्लीट एरिया. वी विल ओनली इंटीग्रेट दिस पार्ट. ओके, सो द इंटीग्रल विल बी व्हाट इज द फंक्शन, y इज इक्वल टू x. सो x है dx, लिमिट्स हैं 0 to 4. Is equal to 2 x square by 2 limits and 0 to 4. Okay. So what do we get? We get 16 by 2 minus 3. And which is equal to 16. Agar ye centimeters mein. Otherwise, no unit is required. You can just say unit square. Okay, तो ये आंसर हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हम ज्योमेट्रिकली निकाल सकते थे इसको, लेकिन अगर आप इसको इस तरह न करकर माइनस फोर से फोर तक इंटीग्रेशन कर देते राइट, तो आपका आंसर जो है जीरो आता, जो कि गलत. ठीक है, इसलिए हमें ये सारे स्टेप्स जो हैं फॉलो करने बहुत जरूरी है. अंडरस्टूड? एनीबडी हैज एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन एंड वी विल अंडरस्टैंड इट अ लॉट बेटर. Find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square and the line y is equal to 4. ठीक है, तो अब हमें कहा गया है ये एरिया निकालने. ठीक है, लेकिन अभी तक हमने तो देखा नहीं कि हम एक लाइन और कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं. ये चीज तो अभी हमने सीखी नहीं. हमें तो केवल कर्व और एक्सिस के बीच का एरिया निकालना आता है. तो क्या हम इस एरिया को निकाल सकते हैं? कैन समबडी टेल मी हाउ कैन वी फाइंड दिस एरिया with the knowledge of only being able to find area between the curve and an axis? Anybody? Shivam, aap bataiye beta. Shivam, are you there or not? At least answer that. सर रिपीट करना एक बार. ये क्वेश्चन हम किस तरह करेंगे? हमारे को तो एरिया निकालना आता है कर्व और एक्सिस के बीच में. तो अभी हमें ये वाला एरिया तो पूछा नहीं गया. ये एरिया तो पूछा नहीं है. पूछा है ये वाला एरिया, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये एरिया पूछा होता तो हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन किया हम कर सकते थे. हमें एरिया पूछा गया है जो ये है, लेकिन अगर हम अब इसको गौर से देखें, केवल इतने एरिया को देखें, ये राइट, इस एरिया को अगर हम देखें तो ये इस कर्व यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया है ये, और ये जो इधर एरिया है वो इसी के इक्वल है. तो ये आधा एरिया है और ये बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस, ना कि बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस. तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए रादर देन सेइंग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट. And this is the positive part of the curve, right?
दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कर्व। तो अब हम क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे कहां से कहां तक, ये है 4, y इज इक्वल टू 4, ये है y इज इक्वल टू 0, तो लिमिट्स भी हमें 0 टू 4 मालूम है, ठीक है। बस अब हमें कैसे इंटीग्रेट करना है, एरिया इज इक्वल टू 2 इनटू, बिकॉज 2 ऐसे एरियाज हैं, 0 टू 4 अंडर रूट y dy। तो अब हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, होगा y रेज टू पावर 3/2, ओके, इट इज 2 एंड 4 रेज टू द पावर 3/2 इज 2 रेज टू पावर 3 इज 8, ओके, माइनस 0। So this is our answer, which is 32/3. Okay, so we could do this question by integrating with respect to y. Okay, sir, दोबारा समझा दो, थोड़ी network problem हो गई थी। अच्छा, okay. देखिए ये क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ये जो पैराबोला हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके और y इज इक्वल टू 4 लाइन खींची हमने ये, ठीक है, इनके बीच का एरिया निकालना है। अब ये एरिया हम विद इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें नीचे का एरिया आ जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो ये एरिया चाहिए। तो ये हमने किस तरह निकाला, हमने इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई करा तो वाई एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया आया जो कि ये है, और बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो हमने एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई लिखा रादर देन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो वी एक्सप्रेस्ड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, उसके बाद वी इंटीग्रेटेड दैट एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड मल्टीप्लाइड इट बाय 2। वाई बिकॉज ऐसे दो एरिया, ठीक है, और अगर हम अंडर रूट वाई को इंटीग्रेट करते हैं वी गेट 2/3 वाई रेज टू पावर 3/2, वी प्लेस पुट आर लिमिट्स इन देयर, वी गेट द आंसर 32/3। अंडरस्टूड गोपाल? यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है। अब हमने अभी तक एरिया निकालना सीखा बिटवीन अ फंक्शन एंड वन ऑफ द एक्सिस। अब जो नेक्स्ट तरह के हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे वो आएंगे टू फाइंड एरिया बिटवीन अ कर्व विच इज अ फंक्शन एंड अ लाइन विच इज अ लीनियर फंक्शन, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना हमें आएगा, ठीक है। अगर हम पहली प्रॉब्लम देखते हैं, इस प्रॉब्लम को भी हम उस तरह से सोच सकते हैं कि क्योंकि लिखी तो ये प्रॉब्लम उसी तरह से गई थी, लेकिन हमने बिना उस नॉलेज के इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन आगे जो है हमें ये प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें कि एक लाइन भी दी गई है और एक कर्व दिया गया है और दोनों के बीच का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। और ये चीज हमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है कर पानी, क्योंकि हम इसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम अपने कर्व को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन पार्ट्स जिनका एरिया हम अपने फॉर्मूले से निकाल सके एंड सब्ट्रैक्ट द एरियाज व्हिच वी डोंट नीड, ठीक है, जैसे कि विल बी अंडरस्टूड बाय डूइंग दिस एग्जाम्पल। Find the area of the region in the first quadrant, okay, enclosed by the x-axis, the line y is equal to x, which is this line, and the circle x square plus y square is equal to 32, okay. So, what is this? Okay, so ye line, ye circle, और ये एक्सिस,
इनके बीच का एरिया यानी द एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. ओके नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली लेस देन अ मिनट सो आई कांट डू दिस प्रॉब्लम टुडे. आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो. यू प्लीज डू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स. आई विल नॉट आस्क यू टू डू द problems today. If you can try the problems, but at least do the solved examples too. आप अगर उतना कर लेंगे तो फिर जब हमारी कल क्लास होगी हम आगे चलेंगे उस क्लास में ये चैप्टर एक्चुअली पूरा हो जाएगा हमारा. उसके बाद हो सकता है हम एक क्लास प्रैक्टिस के लिए और ले लें बस उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए. इट्स अ इजी चैप्टर आप अभी कर लेंगे. अगर इंटीग्रेशन का कुछ सेक्शन बचा भी है आपका यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट. आप ये कर लीजिए आपका एक पोर्शन एटलीस्ट पक्का हो जाएगा. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर दिस. ठीक है सो थैंक यू फॉर नाउ. एंड लेकिन बेटा कल से अपना वीडियो ऑन रखिए. वेल ड्रेस्ड होके शांत जगह बैठिए और अपना वीडियो ऑन रखिए. ठीक है वी विल फॉलो द प्रोसीजर दैट इज टोल्ड बाय द स्कूल. दैट इज द राइट वे ऑफ गोइंग इट. ओके agree, everybody agrees with me. No response and no response is a yes.